छुट्टी मिलने के बाद नगर में कोरोना को लेकर दहशत। शक्ति 20 जून सरस्वती शिशु मंदिर में 10 और MLJN इंग्लिश मीडियम स्कूल में 3 और वार्ड क्रमांक 16 झूल कदम में 1 होम क्वारंटाइन सेंटर पर कोरोना संक्रमित मिलने के बाद नगर में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। सरस्वती शिशु मंदिर और MLJN इंग्लिश मीडियम स्कूल सहित झूल कदम के आसपास के एरिया को सील कर दिया गया है। इस इलाके में आमजनों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल के भीतर संक्रमित श्रमिकों का जरूरी टेस्ट सैंपल कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। शक्ति के नायब तहसीलदार शिव कुमार डनसेना ने बताया कि सभी संक्रमितों को ले जाने के लिए जिला मुख्यालय से स्पेशल एम्बुलेंस आने के बाद 21 जून के सुबह सभी 14 कोरोना पॉजिटिव को जांजगीर भेजा गया। फिलहाल सभी 14 संक्रमितों को जिला मुख्यालय के COVID-19 हॉस्पिटल भेजा गया है। अगर इनमें से किसी संक्रमित श्रमिक की स्थिति ज्यादा खराब होती है तो उसे एम्स रायपुर भेजा जाएगा। सरस्वती शिशु मंदिर में जो 10 मरीज पाए गए हैं वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एवं राजस्थान कोटा के धौलपुर से आए हुए थे। सरस्वती शिशु मंदिर क्वारंटाइन सेंटर में महिला पुरुष बच्चे 146 हैं। झूल कदम MLJN स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के आसपास के एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए निर्देश जिला कलेक्टर के द्वारा दिए गए हैं। वहीं झूल कदम में रहने वाला व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह रहा था। वह अपने साथ उत्तर प्रदेश में 3 लोगों को साथ में लेकर अपने वाहन से आया था और लगभग 8 से 9 जून को शक्ति पहुंचा था और उसके बाद सीधे जहां किराए पर रहता है झूल कदम में वहां पहुंच गया, जिस पर मोहल्ले के पार्षद वार्ड वासियों के द्वारा आपत्ति किए जाने पर MLJN क्वारंटाइन सेंटर गया। परंतु वहां के भीड़ भाड़ स्थिति को देखकर वह होम गिरिराज होटल में रहूंगा कहकर घर चला गया था और चारों व्यक्ति झूल कदम के वार्ड क्रमांक 16 में रह रहे थे। परंतु मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद झूल कदम में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल हो गया है। वहीं युवक 12 दिनों में अगर किसी व्यक्ति से मिला होगा तो शक्ति के लिए यह गंभीर मामला हो सकता है। शासन प्रशासन को चाहिए कि उक्त व्यक्ति से पूरी जाँच पड़ताल कर जानकारी लेनी चाहिए और इस प्रकार लापरवाही करने के लिए युवक पर जाँच कर कार्रवाई होना चाहिए। पूरी खबर जानने के लिए देखिए जांजगीर एक्सप्रेस 07 छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर बालेश्वर का सबके साथ।